महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की छठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। बता दें, यहाँ पर 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां शामिल हैं। बता दें, ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश सुनाते हुए ये कहा है कि संपत्तियों को लेकर कोई गैर कानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया है। बेनामी लेन देन की बात भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाई है और सभी ट्रांजेक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही यहाँ पर हुए हैं।